नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। पर्यटन नगरी मसूरी में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल का शुभारंभ हो गया है, जिसमें सर्वे ग्राउंड से अजीत चौधरी ने सांस्कृतिक शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और शोभा यात्रा सर्वे ग्राउंड से होते हुए शहीद भगत सिंह चौक मॉल रोड होते हुए गांधी चौक पर पहुंची और जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटर लाइन कार्निवाल का आसमान में गुब्बारे उड़ाकर उद्घाटन किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विंटर कार्निवाल से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इसका सीधा असर प्रदेश के पर्यटन पर ही पड़ेगा और देश विदेश से पर्यटक आकर यहां की यादों को संजोकर अपने साथ ले जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो मसूरी के पर्यटन को बढ़ाने के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और देश विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ की जो स्मृतियाँ हैं अपने साथ ले जाकर हमारे पर्यटन को और बढ़ाने का काम करेंगे अपनी भूमि। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा में विकास के मुद्दों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हर सिंह रावत की पुत्रवधू और कांग्रेस नेत्री अनुकीर्ति गुसाई ने भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही इसको लेकर लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार लैंसलाइन का विकास करना भूल गई है, जिससे यहां की जनता को जवाब देना उन्हें भारी पड़ रहा है। और ऐसे में अब कांग्रेस नेत्री ने लैंसडाउन में विकास न होने पर जिम्मेदार यहाँ की विधायक दिलीप रावत और बीजेपी सरकार को बताया है, जिसको लेकर एक जनाक्रोश रैली भी कांग्रेस द्वारा लैंसडाउन में निकली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास के मुद्दे पर सवाल उठाए गए कांग्रेस नेत्री अनुकीर्ति गोसाई ने कहा कि 11 सालों से लैंसडाउन का विकास प्रभावित है और जिससे यहां मूलभूत सुविधाएं जन तक पहुंचाना जो जनता को नहीं मिल पा रही है। आज ये जो जन आक्रोश रैली लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत निकाली गई, उसका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लैंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और यहां के क्षेत्र विधायक द्वारा भी, जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 11 साल के अंतराल में वो कोई विकास का काम लैंसडाउन के अंदर नहीं कराए गए हैं, मैं सोचती हूँ कि जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 11 सालों के अंदर लैंसडाउन को जिस दिशा में जाना चाहिए था, आज मैं सोचती हूँ कि ये दुर्भाग्य है हमारी विधानसभा का कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लैंसडाउन की सड़कें हो, सारी व्यवस्था जो है लैंसडाउन के अंदर चरमराई हुई है। पर इसी के लिए आज ये आवाज उठाने का काम लैंसडाउन विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। श्रीनगर में ओपीडी कक्ष छीने जाने के बाद डॉक्टर ने अस्पताल के बाहर ही ओपीडी लगा दी है और अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर ही मरीजों की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र का है और यहां पर उप जिला संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के इमरजेंसी मेडिसिन के चिकित्सक डॉक्टर अंकित गैरोला को ओपीडी छोड़ इमरजेंसी में ड्यूटी करने की निर्देशित किया गया, लेकिन डॉक्टर गैरोला ने आकस्मिक विभाग में तैनाती लेने की बजाय अस्पताल परिसर के बाहर बेंच पर ही ओपीडी शुरू कर दी और यहां पर मरीजों की जांच करने लगे। डॉक्टर अंकित गैरोला का कहना है कि वे बीते एक साल से यहां ओपीडी कर रहा है, अचानक से उन्हें बिना किसी कारण ओपीडी कक्ष खाली कर इमरजेंसी में तैनाती के आदेश दिए जाते हैं। और डॉक्टर गैरोला ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर ओपीडी छीनी जा रही है और इसके साथ ही जिस कारण उन्हें बाहर ही मजबूरन ओपीडी शुरू करनी पड़ी है और अब वे बाहर इसी तरह मरीजों की जांच करेंगे। और वहीं पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी कक्ष की कमी है और नए
ईएनटी विशेषज्ञ ने अस्पताल में तैनाती ली है और ऐसे में उन्हें कक्ष देना पड़ा है। डॉक्टर अंकित गैरोला पहले इमरजेंसी में तैनात थे, लिहाजा उन्हें दोबारा इमरजेंसी में ही तैनाती के निर्देश जारी किए गए थे। वहीं चिकित्सक द्वारा अस्पताल के बाहर ओपीडी लगाए जाने को अस्पताल प्रशासन नियम विरुद्ध बता रहा है। उत्तरकाशी के सभी गांव में जागरूकता मिशन चलाया गया है और साथ ही चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसके चलते सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्यों और होमस्टे, पशुपालन, सड़क समस्या, पेयजल समस्या सहित अन्य बिंदुओं पर बातचीत की गई है। तो वहीं उत्तरकाशी के ग्राम सभा बघियाल गांव में जिला फॉरेस्ट विभाग अधिकारी पुनीत तोमर ने चौपाल का आगाज किया है। आज संपूर्ण उत्तराखंड में जो है चौपाल दिवस के तरह मनाया जा रहा है और सभी जगह मतलब चौपालें लगाई जा रही हैं, मतलब काफ़ी गाँव में लगाई गई हैं। उसमें मुझे जो है ये गांव आवंटित किया गया था। तो यहाँ पे एक तो जो जन सामान्य की जो दिक्कतें हैं, व्यक्तिगत दिक्कत और जन सामान्य की दिक्कतें हैं, उनको सुना गया और हमें एक ढांचा भी दिया गया था कि क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या मजबूतियां हैं, क्या अवसर हैं और क्या खतरे हैं। उन सभी इशू पे भाई स्वास्थ्य संबंधी, एजुकेशन संबंधी, आजीविका संबंधी, जो आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उस संबंधी एवं अन्य जो भी स्पेशल हो सकता है उस संबंधी, उन सभी चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या अवसर हैं, क्या क्या मजबूतियाँ हैं, क्या कमजोरियाँ हैं, क्या खतरे हैं, उस ढांचे में उसको डालना था। तो यहाँ पे आके ये दिखा है कि ये गांव क्योंकि उत्तरकाशी के काफ़ी पास है, तो वैसे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक उपलब्ध हैं, रोड भी आती है, पानी भी है, बिजली भी है, परंतु कुछ और बढ़िया हो सकता है। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद पहली बार मंगलोर के नारसन विकास खंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें गांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है। और वहीं इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि आज की बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देकर गांव का विकास करना है। और साथ ही उन्होंने बताया कि सड़क, बिजली, पानी सहित कई विभागों की समस्याएं सामने आई हैं, जिनका निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है। सन ब्लॉक में हमने यहां पे बीडीसी की बैठक करी है, काफी अच्छी मात्रा में यहां पे सभी मेंबर्स उपस्थित हुए, सभी विभागों के अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो जैसा कि आमतौर पर बीडीसी की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं, ताकि बीडीसी के मेंबर्स के माध्यम से आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। मुनी की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णानंद घाट पर संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाले बाबा की पीट पीट कर हत्या की गई है। बता दें आपको कि पुलिस ने हत्या के आरोप में दो युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। बता दें आपको कि जहां पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल पहुँचा दिया है और मुनी की रेती थाना क्षेत्र के ही मुताबिक 22 दिसंबर की रात को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में एक बाबा को घायल अवस्था में ले जाया गया, जिसे डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मुनि की रेती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाबा के शरीर पर कई जख्म के निशान भी मौजूद थे और इसलिए पुलिस ने मामले को हत्या की आशंका से जोड़कर जाँच शुरू कर दी है। और जाँच में पुलिस को पता चला है कि
बाबा पुरानंद घाट पर कबाड़ बिनने का काम करता है और इसलिए बाबा को कबाड़ बाबा के नाम से भी पहचाना जाता है। 22 दिसंबर की रात को दो युवकों ने स्टील के रोड से बाबा को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा है और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हत्या करने वाले दो युवकों को पहचान कर गिरफ्तार भी कर लिया है। गदरपुर थाना क्षेत्र के दलपुरा में मौजूद तराई में निवास करने वाले आदिवासी बुक्सा समुदाय के आराध्य राजा जगत देव के मंदिर में दो दिवसीय मेले का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे, पूर्व सांसद बलराज पासी शामिल हुए। आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद तीन दिवसीय मेले का रिबन काट कर उद्घाटन किया गया और इस दौरान तमाम वक्ताओं ने राजा जगत देव जी के पराक्रम के बारे में विस्तार से प्रकाश पर डाला। पौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, वहीं पुलिस को दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले कलयुगी बेटे को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जो है मानसिक रूप से बीमार है, जिसका सेला कुई से इलाज चल रहा है और सीओ प्रेमलाल टमटा ने बताया है कि मां की तहरीर पर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लगभग 7:30 बजे एक महिला का फोन आया कि मेरी माता के साथ में किसी ने जो है बदतमीजी कर दी है, जिसपे हमारे थाना क्षेत्र पौड़ी से पुलिस फोर्स गाँव में गई और मौके पर जाके जो है महिला को महिला से पूछताछ करी। उसने स्वयं बताया कि मेरा ये अपना बेटा है और उस बेटे ने मेरे साथ जो है इस तरह से घिनौनी हरकत करी है, जो एक जो है बहुत शर्मसार जो है बात है, और इसको लेके महिला को थाने ला गया। रायवाला पुलिस ने 10,000 के इनामी अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 10 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों पर NDPS एक्ट लगाकर जेल भी भेज दिया है। तो रायवाला से खबर है जहां पर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से मिले निर्देशों के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने को तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। बूस्टर डोज के लिए ब्लॉक वार शिविर स्थलों के चिन्हीकरण के कार्य का भी शुरू कर दिया गया है और 1-2 दिन में प्रभावी तरीके से बूस्टर डोज लगने की शुरू हो जाएंगे। बता दें आपको कि कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है और स्वास्थ्य सचिव की ओर से CMO को जारी दिशा निर्देश में कोविड जांच में RT-PCR में पॉजिटिव मिले सभी मरीजों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज देहरादून भेजने को निर्देशित किया गया है। वैक्सीन आए थे तो हमें शाम अभी 5 बजे तक लगाया जा रहा है, कितने बचेंगे तो फिर से भी इस तरह से हमारा जो है मकसद है कि 100% लगा दिया जाए और अभी केवल कोवैक्सीन ही हमारे पास उपलब्ध है तो केवल कोवैक्सीन का ही पूरी डोज लगाया जाएगा। देखिए बूस्टर डोज से क्या होगा, हमारी आपकी जो इम्यूनिटी बनी हुई है मान लीजिए 90% या 92% हमारी सेकेंड डोज से बन गई है तो उसको कंसिस्टेंसली बनाए रखने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत होता है, जिसको लगाना अनिवार्य भी है, हमको आपको लगाना भी चाहिए। तक अभी हमारे मुख्य सचिव साहब के साथ एक विजिट चल रही थी, कल तक हमारे पास हरियाणा से शायद 1,00,000 डोज आ जाएगा तो उसके हिसाब से फिर से स्टेट से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन होकर मिल जाएगा, उसमें हम काम चालू रखेंगे उसका।
हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत चार लोगों के खिलाफ हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं महंत रविंद्रपुरी ने इसे पैसे ऐंठने की साजिश बताया है। दरअसल एक समाज सेवी ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि महंत रविंद्रपुरी और बाकी अन्य चार लोगों ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी से दान कर पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को निजी कार्यों में खर्च कर दिया। शिकायत का संज्ञान लेकर न्यायालय ने हरिद्वार कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए और हरिद्वार के सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर महंत रविंद्रपुरी और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चार लोगों के खिलाफ 420 और 419 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और वहीं महंत रविंद्रपुरी ने इसे पैसा रखने की साजिश बताया और कहा कि वो धर्म कर्म और समाज सेवा का काम करते हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हें बदनाम करने और पैसा ऐंठने के लिए झूठा आरोप लगाते रहते हैं। मेरे खिलाफ ये लोग अभी से नहीं, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये नेपाल से लेके कहीं लोग है जो मेरे पीछे लगे रहते हैं। बाकी इनका रोज का काम है, इनको पैसा चाहिए। कहीं लोग ऐसे जो काम नहीं करना चाहते, मठ मंदिरों से पैसा लेके वो अपना घर चलाना चाहते। जब हम पैसा ये नहीं देंगे तब हमारा वो पीछे लगे रहते हैं। ये अभी से नहीं, आप खुद देख रहे हैं, आप हमारे मीडिया के भाई हैं। लोगों ने ये भी कहा था भाई महाराज ने सरकार में क्यों पैसा दिया, कोरोना काल में क्यों पैसा दिया, दुनिया भर के आरोप मेरे ऊपर लगाए गए, लोगों की सहायता क्यों की, ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने उनको नहीं दिया पैसा। पहले वो पैसा हम लोगों से लेते थे, जब पैसा बंद हो गया वो लोग परेशान हो रहे हैं, इसीलिए सब लोग करते रहते। देखिए ये कोर्ट के जो माननीय हमारे न्यायालय है उसके आदेश के क्रम में एक जेपी बडूनी जी द्वारा जो है वहाँ पे आवेदन किया था कोर्ट में कि इनके द्वारा कुछ धोखाधड़ी और इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया था। तो माननीय न्यायालय ने जो मनसा देवी के अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुर जी और अन्य लोगों के खिलाफ जो है परिवाद दाखिल करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत कराया है और उसमें विवेचना प्रचलित है। देखिए 420 ही 419 धारा 467 8671 में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्री निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर और श्री दक्षिणकाली मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को जहर देने की साजिश रचने वाले आरोपी विक्रम को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है और प्रयागराज पुलिस उसे हरिद्वार लाकर छानबीन करेगी। बता दें आपको कि कैलाशानंद गिरी की हत्या के राज से पर्दा उठाने का प्रयास किया जाएगा। सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में आरोपी की कस्टडी के लिए आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आरोपी की 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। बता दें आपको कि साध्वी त्रिकाल भगवंता के आश्रम में ही आरोपी विक्रम ने पहुंचकर साध्वी त्रिकाल भगवंता को बताया था कि 1 जनवरी को हरिद्वार में कैलाशानंद गिरी के जन्म उत्सव के दौरान वो खीर में जहर मिलाकर कैलाशानंद गिरी सहित कई संतों को जान से मारने की प्लानिंग कर चुका है। आरोपी इससे पहले काली मंदिर में एक रात नाम बदल कर रुक कर भी गया था, जिसके बाद त्रिकाल भगवंता ने प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपी को गिरफ्तार करवा दिया था और उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और हरिद्वार में कैलाशानंद गिरी महाराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। एसएसपी हरिद्वार पूरे मामले की अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। माँ भगवती राजराजेश्वरी का ही नवरात्र हरमनी तल्ली के नेतृत्व दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने रिबन काट कर शुभारंभ कर माँ को अपनी श्रद्धा, वो बता दें आपको कि माँ को ही देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आजकल हरमनी तल्ली में नवरात्रि की खूब धूम है और श्रद्धालु रिश्तेदारों और जनप्रतिनिधि अतिथियों का हर दिन भीड़ उमड़ रही है। हरमनी तल्ली में आयोजित हो रहे नवरात्रि में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा ने इस दरमियान स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना है और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।